गर्मियों में बॉडी बढ़ाने के लिए 7 सॉलिड टिप्स, 7 मसल बिल्डिंग टिप्स फॉर समर। दोस्तों गर्मियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में अगर आप जिम में या फिर अपने घर पर एक्सरसाइज करते हैं और अपनी मसल्स का साइज गेन करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का पता होना जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में मसल्स गेन करना काफी अलग मसल्स साइज होता है। और अगर आप कुछ बातों को फॉलो नहीं करते हैं गर्मियों में साइज गेन करने के लिए, तो आपको अपना साइज बढ़ाने के बजाय मसल्स लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसीलिए कुछ टिप्स आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप गर्मियों में तेजी के साथ अपनी मसल्स का साइज बढ़ा सकते हैं। और ये टिप्स इतनी जरूरी है कि आपको ये पता होना ही चाहिए, तो ध्यान से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और टिप नंबर 1 जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फिटनेस रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस के लिए। टिप नंबर 1, एक्सरसाइज टाइमिंग। दोस्तों गर्मियों में आपको सुबह 5 बजे से 6 बजे तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, जिस वजह से आप वर्कआउट में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और शाम में अगर आप वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका पसीना ज्यादा बह जाता है, जिससे आपका एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है और आप अच्छी परफॉर्मेंस एक्सरसाइज गेन नहीं कर पाते हैं। टिप नंबर 2, स्टे हाइड्रेटेड। तो गर्मियों में आपको हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी होता है। बहुत बार पानी कम पीने की वजह से आपकी मसल्स में क्रैक आपको दिखाई देने लगती हैं, और क्योंकि हमारी बॉडी में भी ज्यादातर पानी ही होता है, तो पानी की कमी की वजह से आपकी मसल्स भी आपको श्रिंक लगने लगती है और पानी की वजह से ही आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस भी खराब होती है। तो आपको टाइम टू टाइम पानी पीते रहना होता है, पर वर्कआउट के बीच में पानी आपको कम ही पीना होता है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। टिप नंबर 3, वर्कआउट आउटफिट। वर्कआउट के टाइम में आपको हल्के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में एक्सरसाइज करते हुए आपको ज्यादा पसीना आता है, और अगर आप टाइट या थोड़े मोटे कपड़े पहन लेते हैं तो पसीने की वजह से आप वर्कआउट करते समय काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और इसीलिए आप अपने बहुत से सेट भी अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो आपको कॉटन के हल्के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़ों में आपका पसीना भी एब्जॉर्ब होता रहता है। और एक्सरसाइज करते हुए आपको एक टॉवल भी अपने साथ रखनी चाहिए, जिससे आप अपना पसीना टॉवल से साफ करते रहें। टिप नंबर 4, नो योर लिमिट्स। जब आप गर्मियों में वर्कआउट करते हैं तो बहुत सी बार ज्यादा गर्मी की वजह से और पसीना ज्यादा बह जाने की वजह से आपको सर घूमने या सर में दर्द या चक्कर आने जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ऐसे टाइम पर जोश में आकर वर्कआउट को नहीं करते रहना है, बल्कि ऐसी कंडीशन होने पर आपको कुछ देर आराम कर लेना है और सही महसूस होने पर ही वर्कआउट करना है। टिप नंबर 5, एक्सरसाइज ड्यूरेशन। गर्मियों में जब आप कुछ देर भी मेहनत का काम करते हैं तो आपका काफी पसीना बह जाता है, और ज्यादा पसीना बह जाने की वजह से आपकी मसल्स का साइज भी घट जाता है। तो गर्मियों में आपको 30 से 40 मिनट तक ही वर्कआउट करना है। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे तो आपका ज्यादा पसीना बह जाएगा और इस वजह से आप अपनी मसल्स का साइज भी घटा सकते हैं। तो 30 से 40 मिनट ही वर्कआउट आपको करना है। टिप नंबर 6, नो एनर्जी ड्रिंक्स। अगर आप अपना वजन घटाने के लिए वर्कआउट करते हैं तो आपको एक्सरसाइज से पहले एनर्जी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स आपकी बॉडी में जाते ही एनर्जी बनाती है, और फिर एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी ड्रिंक से बनी हुई एनर्जी ही आपकी एक्सरसाइज में ज्यादा खर्च होती है। और अगर आप एनर्जी ड्रिंक लिए बिना ही वर्कआउट करते हैं तो आपका जो फैट आप घटाना चाहते हैं उस फैट को बर्न करके आपकी बॉडी एक्सरसाइज के लिए एनर्जी लेती है, जिससे आप अपना वेट लॉस अच्छे से कर पाते हैं। टिप नंबर 7, प्री वर्कआउट मील। देखिए गर्मियों में हमारी एनर्जी का लेवल नॉर्मली काफी डाउन होता है, तो आपको वर्कआउट से 30 से 40 मिनट पहले कोई फल जैसे केला खाना है या फिर कोई जूस भी आप पी सकते हैं, जिससे वर्कआउट में आपको प्रॉपर एनर्जी मिल सके। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।